Today I'm talking about 2-3 creative video effects for any video. तो सबसे पहले हमें चलना जाना है वीडियो एसेट पे और उसके स्टोर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर वीडियो एसेट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर सबसे जो लास्ट वाला है लिंक 2.0 को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर बीच वाले वीडियो एसेट को इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके अपना कोई सा भी अपना वीडियो इंपोर्ट कर लेना है और उसके बाद उसी वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर देना है और उसी वीडियो पर लेयर पर क्लिक करके उसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। और यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है, इमेज एसेट कोई भी ले लेना है और उसका वीडियो के अकॉर्डिंग उसको लेंथ को बढ़ा देना है और अपने वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। और यहाँ पर उसका क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे चलेंगे, माइक मास्क को इनेबल और इस साइज को सिलेक्ट कर देना है और वीडियो मिडल रेंज में ला देना है। और उसके बाद हम करेंगे की फ्रेमिंग, एक की फ्रेम ऐड करेंगे स्टार्टिंग पे और एक की फ्रेम एंडिंग पे। एंडिंग पे जब करेंगे तो वीडियो को थोड़ा जूम कर लेना, उससे क्रिए आपका क्रिएट हो जाएगा जूम इन इफेक्ट। तो सबसे पहले अपने वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर उसको डुप्लीकेट एज अ लेयर पे क्लिक कर देना है और वीडियो पे टैप करके उसका फुल स्क्रीन पे कर देना है और इसके बाद करेंगे वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। A few minutes later और उसके बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से रिमूव हो गया है वो चेक कर लेना और अपना कोई सा भी टेक्स्ट हो वो लिखने और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना और यहाँ पर अपने डुप्लीकेट एज अ लेयर पर क्लिक कर देना और ब्रिंगिंग टू फ्रंट कर देना है। उससे क्या होगा कि टेक्स्ट हमारा पीछे चला जाएगा और सब्जेक्ट आगे और अपने वीडियो के अकॉर्डिंग उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वाला वीडियो आपके लिए बेस्ट।